How are you? कैसे हो आप? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। चाहती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कटोरी चाट। तो मैं कटोरी सीक्रेट है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। पर वो कटोरी चाट के लिए क्या लगेगा मुझे, मैंने ये जो चना है ना, दो कटोरी बड़ी बड़ी बॉईल करके रखा है, ठीक है? दो कटोरी बॉईल करके रखा है। और ये ना, उसके लिए मैंने एक कटोरी चॉप की हुई प्याज लिए, एक कटोरी टमाटर, ये दोनों मैं पीस के लेने वाली हूँ। ये टमाटर और ये तो गार्लिक के लिए, ऊपर जो गार्निश करते हैं ना, तो उसके लिए टमाटर और ये प्याज, ये अलग से रखी हुई एक एक कटोरी ऊपर से डालने के लिए। और इमली की चटनी बनाने वाली हूँ, इसमें डालने वाली हूँ शक्कर। ये शक्कर भी मैंने एक बाटी रखी है, आपको जितनी लगती है उतनी डालना चाहिए। मैं आपको पता नहीं मतलब क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करने वाली हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने दो बाटी लिया है, एक बाटी में लिया है मैदा और एक बाटी में लिया है गेहूं का आटा। और अब इसको मैं तेल डाल के गूंदने वाली हूँ, ठीक है? तो ये आज मैं बनाने जा रही हूँ चाट कटोरी, ठीक है? देखो, अब इसमें मैंने थोड़ा नमक डाला है। अब इसमें डाल रही हूँ तेल, मतलब एक छोटा चम्मच तेल डाल देना आपने, ठीक है? तेल डाल के हमको गूंदना है इसको। एक बाटी मैदा, एक बाटी गेहूं का आटा। देखिए, अभी ये मैंने डो बना के रखा है, अभी मैंने इसको ढक के एक आधे घंटे के लिए रख देने वाली हूँ, क्योंकि हमारा फिर ये आटा एकदम नरम सा जाएगा, क्योंकि हमको छोटी छोटी पूरी बनानी है इसकी, पूरी के लिए। तो ये काफी हो गया हमारे लिए। मैंने इसको कटोरी, अब कटोरी कैसे बनाती हूँ आपको बताती हूँ। आप बोल रही हैं कि आटे की कैसे कटोरी बनेगी, लेकिन मैं बताती हूँ कि इसकी कटोरी कैसे बनेगी। और गार्निश के लिए मैंने आपको शेव बताना भूल गई, ऊपर से बारीक से वो भी चाहिए हमको। ये सब ये रख दिया है ऊपर कर। मैंने जिस बर्तन से मुझे इमली का पानी निकालना है ना, तो उसमें ही मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है, जो बर्तन में रखना है मुझे। तो मैं इसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी और ये इमली को अच्छे से नरम होने दूंगी। फिर इसमें हम लोग शक्कर डालेंगे, शक्कर, नमक और काला नमक, ये सब मैं आपको बताती हूँ कि इमली की चटनी कैसे बनाती है। देखिए गाइस, अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल इमली की चटनी के लिए, सिर्फ थोड़ा सा तेल डालना है, छोटा सा, क्योंकि हमको जीरे का तड़का देना है इसके लिए। मार्केट जैसी इमली की चटनी बनानी है ना, तो उसको अभी थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं जीरा डालती हूँ। अब इसमें डालती हूँ जीरा। अब जीरा जैसे तड़तड़ने लग जाए ना, जीरा उड़ने लग जाए ना तड़तड़, तो फिर आप उसमें इमली का जो हमने घोल बना के रखा है ना, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ, मैं इसमें छोड़ दे रही हूँ। इमली का घोल छोड़ दिया, हम बना रहे इमली की चटनी, ठीक है? अब इसको छोड़ने के बाद हमने तड़का दे दिया, तो उसके बाद मैं डालूंगी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी थोड़ा। देखिए, थोड़ा सा नमक डाल दिया, फिर उसके अंदर डालूंगी मैं डालूंगी सूप, तो उसके बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक। और फिर उसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, घोल देंगे। और उसमें अभी मैं, अभी कितना हमने ये गुड़ लिया था, एक बाटी, आधी बाटी ये गुड़ छोड़ देने वाली। इसको अच्छे से मैश होना चाहिए गुड़ को, ये जितने भी मसाले डाले ना मैंने, अभी एकदम बाजार जैसे लगेगी। देखिए, अभी हमारे, अब इसमें पूरा गुड़ घुल जाएगा हमारी मार्केट जैसे। और आपको थोड़ा सा हल्का सा उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाना है, गुड़ तो डाला ही है हमने, लेकिन थोड़ी सी और शक्कर भी डालना मिठास के लिए, दोनों की टेस्ट लगाए मिलाए ना तो अच्छा बनता है। तो
मैंने थोड़ी सी शक्कर भी डाल दी। अभी पूरी मार्केट जैसी लगेगी आपको, इसका घोल तैयार होने के बाद अच्छे से मार्केट जैसी लगेगी। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी हींग, देखिए हींग डाल दिया मैंने इसमें, और अभी इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। देखिए अभी हमारी है ना इमली की चटनी पूरी तैयार होगी। इसकी थिकनेस देखिए, इस हिसाब से हमको मार्केट जैसी इमली की चटनी बनाना है। फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ, मैंने एक वाटी लिया था इमली, एक वाटी लिया था गुड़, आधा चम्मच नमक छोटा सा, और जीरा पाउडर आधा चम्मच बड़ा, और उसके बाद मैंने लिया उसमें काला मसाला, तो नमक लिया, हींग डाला उसमें, गुड़ डाला, थोड़ी शक्कर डाली, और सौंफ भी डाला मैंने आधा चम्मच छोटा सा, और तेल थोड़ा सा डाल के उसको तड़का दिया इमली के पानी को। और तो देखो हमारी चटनी पूरी तैयार हो गई। ठीक है, देखो ये आ गया ना कलर, तैयार हो गई। हाथने लगा ना, देखिए गाइस अभी मैंने एक पैन रखा है, अभी मैं कटोरी चटनी के लिए चना जो बनाते हैं ना तो बना रही, देखो उसके लिए मैंने एक चम्मच तेल लिया है, एक चम्मच तेल लिया है, इसमें डाला मैंने जीरा और कड़ी पत्ता एक चम्मच तेल में डाला। जीरा थोड़ा सा ये हो जाए, कड़ी पत्ता थोड़ा खारा हो जाए, तो फिर उसके अंदर डालो आप एक चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, प्याज एक वाटी आपको बता दें, एक वाटी चना बनाने जा रही हूँ, डालो मैंने एक वाटी प्याज, और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, एक वाटी टमाटर पीसा हुआ पीस, इनको अच्छे से एक जान होने देनी चाहिए, टमाटर और प्याज को एक जान हो जाएगा, तेल छोड़ने लगेगा तब आप इसमें दूसरी सामग्री डाल दें। इसमें डाल दूँ मैं आधी आधा चम्मच हल्दी, ठीक है, उसके बाद डाल दूँ मैं धनिया पाउडर, फिर उसके बाद डाल दूँ मैं जीरा पाउडर, उसके बाद डाल दूँ मैं लाल मिर्च पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मतलब तीखा ना हो जाए इसके लिए, ये डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, अब इसमें डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, देखिए ये चना डाल रही हूँ, चना चाट मसाला, चना डाल रही हूँ, डाली ना मैंने, अभी चाट मसाला डाला, उसके बाद डाल दी हूँ नमक हल्का सा आधा चम्मच, क्योंकि मैंने चना बॉईल होने के लिए रखा था ना तो तब डाला था, उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा इसमें डालूंगी, क्योंकि अपने आटे में भी जो मैंने पूरी के लिए आटा आपके गूंद के रखा था ना आपके सामने, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसके लिए आप नमक देख कर ही डालिए। ठीक है, ये पूरा चना मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, ये हम लोग बना रहे चाट कटोरी। तो अभी कटोरी कैसे बनाती हूँ मैं, मेरा वीडियो आप लास्ट तक देखिए और उसका ट्रिक भी देखिए कि भाई कटोरी कैसे बनती है तेल में। अभी ऊपर से डाल रही हूँ मैं चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला डाल, तो हमारा चाट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चने के ऊपर से भी डालना चाहिए जब हमारी पूरी बन जाएगी तब। अभी ये बन गया मेरा चना, अभी इसके ऊपर डालना है हरा धनिया, वैसे हम ऊपर से भी डालेंगे लेकिन अंदर भी जब धनिया मुंह में आता है ना खाने में तो और भी अच्छा लगता है, तो ये ज़्यादा खाना चाहिए, खून भी साफ होता है धनिया से, हरे धनिया से हमारा ब्लड भी अच्छा होता है इससे। बीच बीच में हरा धनिया कच्चा भी खाना चाहिए रोटी के साथ, मैं तो कच्चा ही खाती हूँ, सैलड खाती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सैलड ही खाती हूँ, नाश्ता कम करती हूँ। ये दो हमारा हिसाब इतना नरम होना चाहिए, ऐसे कंसिस्टेंट में होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसके ऐसे गोल गोल
ये ऐसे बना के लेने होंगे छोटे छोटे, यही साइज के सब। देखिए अभी ये बने इस तरह, ये गोल बेल दिए। अभी ऐसा बेलने के बाद हम इसको, ये वाटी को तेल लगा देंगे बाहर से, ठीक है। इसको बोलते कटोरी चाट, कटोरी चाट बोलते, कटोरी चाट। तब जो मैं इसको करने वाली हूँ, ये ऐसे कटोरी लगा देने वाली हूँ, ठीक है। ये ऐसी कटोरी हमारे को लगा देना है, ठीक है। देखिए ऐसे कटोरी लग जाएगी और इसको हमको फिर इसमें ऐसे ही कटोरी छोड़ देनी है आपको। बंद कर, पॉज कर दो। ये कटोरी को हमको ऐसे करना है, थोड़ी गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद अपने आप ही वो कटोरी छोड़ने लगेंगी, ठीक है। देखिए अभी हमारी कटोरी छोड़ने लग जाएंगी, इसको बोलते हैं चाट कटोरी। देखिए हमारी कटोरी छूट गई। इसको फ्राई होने दीजिए, तेल गर्म हो गया है। कुरकुरी सी बन जाएंगी। देखिए अभी ये मैंने दूसरी बनाई। सिर्फ वाटी को तेल लगाना है, अच्छे से प्रेस करना है, मतलब तेल में जाने के बाद वो छोटे और अच्छे से कटोरी का शेप आ जाए, ठीक है। आपको चाहिए तो फिर उसको कट भी कर सकते हो, गोल कट करना है तो। लेकिन चाट कटोरी जो रहती है ना, टेढ़ी तिरछी अच्छी भी लगती है। और आपको डिज़ाइन देना है तो डिज़ाइन भी दे सकते हो आप, जैसे बनाना है बना सकते हो, ठीक है। मैंने कटोरी छूट दिए। देखिए अभी अपने आप ही छोड़ने लगी, क्योंकि तेल में जाने के बाद वो अपने आप ही छोड़ देती है वाटी। तेल गर्म हो गया अच्छे से, तभी वाटी अपने आप छोड़ने लगी। ये बहुत अच्छे कट कर सकते हो, ठीक है। आपको वाटी छोटी चाहिए होगी ना, तो आप ऐसे कट करके लीजिए। जो मेरी वाटी है ना, कैसे छोड़ती है अभी जो वाटी है ना, ऐसे अपनी छोड़ने लगेगी। थोड़ा गर्म है, ध्यान से काम करना। मेरी वाटी बनेगी। देखो अभी जो मैंने सामग्री रखी है ना, ये सब उसके अंदर डालेंगे, चाट की पूरी के अंदर, चाट कटोरी चाट में ये सब सामान जाएगा। जैसे इमली की चटनी, कटी हुई प्याज, हरा धनिया, बारीक सेव, जीरा पाउडर, शिमला कश्मीरी लाल मिर्च और टमाटर, और ये दही, ठीक है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ जो हमने इसके अंदर जो बनाया ना चना चटपटा, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, ठीक है। देखिए ये ऐसे डालिए, चना चटपटा इसमें डालिए पूरी के अंदर, और अपनी पूरी बना लीजिए, ठीक है। देखिए हमारी वाटी भी तैयार हो गई, ना कागज़ का ज़रूरत, ना किसी के पेपर की ज़रूरत, चाट कटोरी बन जाती है, ठीक है। देखिए गाइस अच्छे से भरिए इसमें मसाला। अभी डाल बारीक कटा हुआ प्याज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डालना, किसी को चलता है किसी को नहीं चलता है, लेकिन कांदे से और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो मैं तो डाल रही हूँ, हम लोग डालते हैं, हम खाते हैं। ये टमाटर डाल दिए थोड़ा सा, ठीक है, ये लाल टमाटर थोड़ा सा। फिर उसके बाद डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी सेव। पहले मैं डालूँगी इसमें इमली, इसमें इमली, इमली का पानी, ठीक है। ये देखिए इमली डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही डालना चाहिए, खांसी वसी ना आ जाए, हिसाब से डालो। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बाद में ले सकते हैं, इसके लिए थोड़ा थोड़ा ही डालो, ठीक है। फिर उसके बाद डालो आप हल्की सी सेव, ये डाल दिए सेव। फिर उसमें डाल दिया हरा धनिया, नहीं उसमें डाल दिया फिर मिर्ची पाउडर हल्की सी, थोड़ा सा हल्का सा। फिर हरा धनिया डाल दिया उसमें, कटा हुआ हरा धनिया, ठीक है। उसके बाद डालो आप दही,
दही डालना है, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको, ये दही डालना है, देखिए ऐसे डालना है दही, जो मैंने ना मिक्सर से निकाल के रखा था दही, थोड़ा ऐसे ही दही होना चाहिए हमारा, ठीक है। देखिए ऐसे दही, पहले तुम थोड़ा सा धनिया पाउडर हल्का सा, फिर उसके ऊपर डालें हल्का सा मिर्ची पाउडर, चाट मसाला, ये बन गया हमारा चाट कटोरी, कटोरी चाट पूरी, देखिए चाट, ये कटोरी चाट बन गया हमारी, ठीक है। देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और शबाना आंटी को अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए लाइक कीजिए, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत 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 अच्छा है और बहुत दुआ के बराबर है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सबकी दुआ मेरे साथ रहने दीजिए, अल्लाह हाफिज़, गुड।